दोस्तों, अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे, कैसे वो उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्यों को जानने की इच्छा शिव भक्तों को अवश्य रहती है। कहते हैं भगवान शिव स्वयं शंभू हैं, जिनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, तभी तो उन्हें अजर अमर अविनाशी कहा जाता है। लेकिन अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे, कैसे वो उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्य को जानने की इच्छा शिव भक्तों को अवश्य रहती है। तो चलिए बताते हैं आपको पुराणों में वर्णित भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर जमकर बहस हुई। वो बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक रहस्यमय खंभा दिखाई दिया, जिसका कोई और वह छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंभे को पहले व आखिर छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। दोस्तों, तब वर्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया तो भगवान विष्णु ने ब्राह्य का और दोनों खंभों का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। कड़े प्रयास के बाद भी दोनों असफल रहे और हार मानकर जब लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव ही है। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अंत है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।